कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है, जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी के गठन की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले को 28 अप्रैल के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया है। और आपको बता दें कि याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है, जिन्होंने यूपी में 217 के बाद हुए एनकाउंटर्स की जांच करने की मांग की है। तिवारी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को 28 अप्रैल को लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। अभी हाल में ही आई रिपोर्ट में जनसंख्या की दृष्टि में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है, और ऐसे में एक बयान भी सामने आया है। बता दें कि यह बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर दिया है। उन्होंने पुणे के बारामती में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनसंख्या के मामले में भारत अब चीन से आगे निकल चुका है। जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं, उन्हें अब कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में विधायकों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य तक करार देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मेरे दादाजी बताते थे कि जब भारत आजाद हुआ था, तब हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। वही अब देश की जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और इसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। अमरोहा में निर्माणाधीन पुलिस लाइन के मैदान में आज नगर पालिका नगर पंचायत पद के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां पर उन्होंने अमरोहा की जनता को संबोधित करते हुए अपने पुराने अंदाज में अमरोहा वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के पूर्वजों की पहचान अमरोहा के ढोलक को बनाकर आपने अमरोहा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और हमने उसी ढोलक को बजाकर माफियाओं को उनके ठिकाने तक पहुंचाने का काम किया है। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से कहा कि आप प्रदेश में कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्राएं चलती हैं। सनातन भारत की गलियां थी, क्या ये यूपी की पहचान ये रहेगी, या यूपी की पहचान पकने की दृष्टि सक्षम टैबलेट हाथ में लेकर के विकास आधुनिक तकनीकी योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्पर युवाओं के रूप में हमें प्रदेश के अंदर अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव करने वाले नौजवान चाहिए, या फिर तमंचे लेकर के चलने वाले। भाइयों बहनों, पहली बार स्ट्रीट वेंडर ठेला पहुंचा रेडी लगाने वालों के लिए योजना बनी। हरदोई के हरपालपुर इलाके के यदुनंदन लाल लोधी ने जाति विशेष के लोगों पर टिप्पणी की है, जिससे नाराज समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्षत्रिय राजपूत कर्णी सेना रामकृष्ण संघ अयोध्या ने हरपालपुर पुलिस को ज्ञापन भी दिया है। साथ ही क्षत्रिय महासभा ने डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है, और गिरफ्तारी नहीं होने पर तमाम संगठनों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बताते चले कि हरपालपुर के टिकैया निवासी यदुनंदन लाल लोधी ने जाति विशेष के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे क्षत्रिय समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्षत्रिय राजपूत कर्णी सेना के विनय प्रताप सिंह सोमवंशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह ज्ञापन दिया। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या कार्रवाई होती है। इतना विसंगत अपना फेसबुक पे ज्ञापन डाला है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों को लड़ाने का काम किया है उसने। ऐसा कुत्सित व्यवहार और दिमाग वाला व्यक्ति जिसने समाज को अलग अलग तोड़ने का प्रयत्न किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसी वजह से हम सब लोग क्षत्रिय महासभा से संबंधित लोग हैं, सभी लोग आए हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या जानकारी है, क्या मामला है? हरपालपुर में यदुनंदन लाल लोधी हैं,
जो जाति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी किए हुए हैं, तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। औरैया में अचानक मौसम बदला और तेजी के साथ हवा के साथ ही बारिश हुई है। तेज हवा के कारण बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल हादसे में बाल बाल मौजूद पुलिसकर्मी बचे हैं। बता दें कि तेज हवा की वजह से गेस्ट हाउस की दीवार का कुछ हिस्सा कोतवाली के अंदर ही गिर गया। वहीं कोतवाली में संचालित कंप्यूटर कक्ष का कांच का दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हुआ और अचानक हुए हादसे से कोतवाली में भी हड़कंप मच गया। वहीं कंप्यूटर कक्ष में बैठे पुलिसकर्मियों ने भाग कर अपनी जान बचाई है। इसके चलते कोतवाली में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। इस दौरान कोतवाली के अंदर पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। यूपी के कई जिलों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। दरअसल कानपुर और लखनऊ में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। बताते चले कि लखनऊ में तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद सड़कों पर दिन में भी अंधेरा सा छाया रहा, तो वहीं बात करें अगर कानपुर की तो यहाँ भी बारिश से लोगों को राहत मिल चुकी है। बारिश से पहले 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। हरदोई में मंत्री जेपीएस राठौर के अखिलेश यादव पर दिए बयान से सपा कार्यकर्ता आहत हुए हैं। उन्होंने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए भाजपा नेता और प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम पर टिप्पणी करने पर जब एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, फिर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ऐसे टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। बताते चले कि सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने 22 अप्रैल को सियाराम गठबंधन धर्मशाला में नगर पालिका प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आप अपराधियों से इलू इलू करते नजर आएंगे तो आगामी चुनाव में जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुली धमकी दी है कि जनता और हम इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। इस तरीके के इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, इससे हम समाजवादियों को बहुत ज़्यादा आहत पहुंची है और उत्तर प्रदेश की जनता भी कहीं न कहीं आहत ही है। हम यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को अप्लीकेशन देने आए हैं। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जो भी विधिक कार्रवाई है इनके ऊपर की जाए, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर अगर मुकदमा होकर उनकी सदस्यता जा सकती है, कई नेताओं की सदस्यता जा चुकी है, भाई अब्दुल्ला आजम की जा चुकी है, आजम खां की जा चुकी है, इस तरीके से इनके ऊपर भी मुकदमा चले और इनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिनाम सिंह यादव। खबर फतेहपुर से है, जहां जिला प्रशासन ने एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि दो पट्टा धारकों पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद मोरंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला खान अधिकारी के मुताबिक दो मोरंग खंड क्षेत्रों में अवैध खनन किए जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना वसूला गया है। बुलंदशहर में अनूप शहर में गुलदार तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि यहां तेंदुए ने एक 20 वर्षीय युवक को घायल कर दिया है। वहीं अचानक किसी जंगली जानवर ने आक्रमण कर घायल कर दिया है। जैसे तैसे उस जानवर से उसने अपनी जान बचाई और शोर सुनकर बाघ की रखवाली कर रहे लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने सर्च अभियान चलाया और तेंदुए की खबर सुनते ही लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने तेजी से सर्च अभियान शुरू कर दिया है और बाघ के चारों ओर पिंजरा भी लगा दिया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में आज भाजपा के प्रत्याशी को नगर निगम से उतारे जाने पर कहा कि उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन किया है, उनका उद्देश्य पवित्र है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता और जनता ने अर्चना वर्मा का रोजा से लेकर केरुगंज तक स्वागत किया है, उससे प्रतीत होता है कि उनका कहीं पर से भी कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पवित्र है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नगर निगम के जरिए पूरा नगर विकास के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त करें।
अच्छे करवा दिया प्राइम मिनिस्टर की, वो सब भी अपने को प्राइम मिनिस्टर आईडी हमें अपना घर जैसा समझे और उनकी जो भी समस्या होगी मैं पूरा करूंगी और मुझसे बिल्कुल खुले मन से मिले और अपना खुद से मिले, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। और क्योंकि मैं बहुत पहले से यहाँ पर रह रही हूँ और हमारे घर पर कोई ऐसा बंधन नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं, हर महिला मेरे घर पर आए और हमें अपने घर पर बुलाए और मैं उनके घर भी जाऊंगी और अपने घर भी जाऊँगी। अब पब्लिक के बीच जाना है तो क्या खास बीजेपी की तरफ संदेश देकर पब्लिक के बीच जाएंगे? बीजेपी की नीतियाँ अपने आप में काफ़ी हैं जी, बीजेपी की जो नीतियाँ हैं और दिख भी रहा है। इस बार हमको पूरी उम्मीद है और जनता का उत्साह देखकर हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इस शाहजहानपुर इतिहास रचेगा और सबसे छोटा नगर निगम शाहजहानपुर बना। हम नगर निगम बनने का मतलब हम विकास की धारा से पूरी तरीके से जुड़ गए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब केंद्र ने अपने 10 स्मार्ट सिटी घोषित किए तो हमने उनसे कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी तरफ से भी कुछ स्मार्ट सिटी घोषित कर दें ताकि उत्तर प्रदेश उन शहरों का विकास कर सके। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव का नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन वहीं आदर्श आचार संहिता की बात करें तो आज भाजपा और सपा पार्टी के उम्मीदवारों ने आदर्श आचार संहिता को दरकिनार करते हुए अपना अपना नामांकन किया है। हर कोई अपनी जीत की दावेदारी का ताल ठोक रहा है। वजह यह है कि भाजपा से प्रवीण अग्रवाल नगर पालिका से 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं, तो वहीं सपा से सैयद रहमान उर्फ मानू भी नगर पालिका का अध्यक्ष पद ग्रहण कर चुके हैं। अब देखना यह है कि जिले की जनता किसको इस बार नगर पालिका का ताज पहनाएगी। निश्चित रूप से मैंने पार्टी को आश्वासन भी दिया है कि अपने इस सुल्तानपुर जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आम जनमानस के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, भारी मतों से हम यह चुनाव जीतेंगे। अब पुनः मुझको एक बार अपने नगरवासियों की, जनपद वासियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। जिस प्रकार से हमारा कार्यकाल पिछले 10 साल में विपक्ष की सरकार में रहते हुआ, तब पर भी मैंने सबको साथ लेकर, सबका साथ और सबका विकास, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य है, उसी को लेकर मैंने कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ेगी, बुजुर्गों के लिए लड़ाई लड़ेगी, यह मैं बताना चाहता हूँ। आज जहाँ पर आज नौजवान बेकार है, उनको नौकरी से जोड़ने का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ जो गोमटी पटरी वालों को उजाड़ कर फेंक दिया गया है, उनको हटा दिया गया है और उनको यानी कि रोजगार देने का काम किया जाएगा, अलग कहीं दुकानें बनाकर उनको बसाने का काम किया जाएगा। पार्टी ने मेरा भी नाम दिए थे परंतु किसी कारणवश से हमें सिंबल नहीं दिए और मैं यहाँ से इंडिपेंडेंट किन्नर होके भी लगभग 9,500 वोट पाई और 2,250 अनवेलेड वोट हुए। मैं सुल्तानपुर की जनता की मैं ऋण ऋण आभारी हूँ और मैं यहाँ के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी और जिस भी पायदान पे जाऊँगी, यहाँ के एक एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोर्टल मीडिया का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन लोग के सहयोग से मैं आज एक किन्नर होके निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन में बुलंदशहर भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश शर्मा ने नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पहले ही बसपा से 2017 में वो चेयरमैन भी रहे थे। बता दें कि भाजपा सरकार ने ब्रजेश शर्मा को अपनी पार्टी से निकाय चुनाव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। आज भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश शर्मा ने अनूप शहर तहसील स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भी भर दिया है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विगत वर्षों से 10 वर्षों से जनता ने मुझे विश्वास किया है और विगत उन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी योगी जी जो योजना है उन लोगों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और जो लाभार्थी जो लाभ नहीं ले पाए हैं उन्हें योगी मोदी जी जो शासन की रीति ने उन्हें जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कोई भी जो योजना है, जो कोई उस योजना का पात्र है वो वंचित ना रहे। और
खबर औरैया से है, जहां निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज औरैया तहसील में नगर पालिका परिषद औरैया से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से राजकुमार दुबे, सपा से अनूप गुप्ता, बसपा से मुन्ना पाल और निर्दलीय के रूप में लालजी शुक्ला के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अजय वाजपेयी ने अपनी पत्नी के साथ नामांकन कराया। वही बता दें कि नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जिसके तहत नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी शुक्ला ने भारी लाभ लश्कर के साथ अपना नामांकन कराया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री रामजी शुक्ला सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। आपको कांग्रेस ने टिकट दिया, तो आप किस तरीके से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काफी दिक्कत यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इलाज समझा और हमें टिकट दिया। इसके साथ कई बार दिक्कत होगी, जनता बदलाव चाह रही है, जनता विकास मांगती है, जनता कार्य चाहती है, ना कि टिकट। मैं नगर पालिका परिषद में औरैया में अपना नामांकन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुद्दे ही मुद्दे हैं नगर में, जहाँ देखो वहाँ जल भराव है, सीवर की समस्या है, सड़कों पे गंदगी का माहौल है, नगर पालिका भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। हम चाहेंगे कि औरैया नगर का सर्वांगीण विकास हो, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, हम चाहेंगे कि औरैया नगर पालिका में हमारी सरकार बने, जिससे तीनों सरकारें मिलकर औरैया नगर का चौमुखी विकास कराने का काम। जय जय श्री राम। विकास के मामले में आगे रहे, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे विधानसभाओं की बात हो, निश्चित है औरैया की नगर पालिका से चुनाव जीते औरैया नगर पालिका विकास की ओर आगे बढ़ेगी। चाहे शहर की गलियों की बात हो, चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे यहाँ पे जो जीड़ सी विद्यालय हो गए, दोनों उनके सारे नगर पालिका दिनांक 24/4 को नामांकन किया है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी समर्थन हैं? चुनाव नगर पालिका चुनाव में औरैया में सर्वांगीण विकास के लिए अभी तक के जो जितने कार्यकाल गुजरे हैं पिछले कई 3-4 कार्यकाल में औरैया की जनता के साथ भेदभाव किया गया है। जनता तक नहीं पहुंच रही है, उनको लेके हम लोगों नजदीकी नामांकन कर रहे हैं और वहां पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, पेयजल की है, सड़क की है। जो क्षेत्र नगर पंचायत में जुड़ना चाहिए वो क्षेत्र जुड़े नहीं है। वो औद्योगिक नगरी है लेकिन उद्योग के नाम से कोई वहाँ पे एक छोटा सा कारखाना नहीं है। अगर जनता के सहयोग से हमें वहाँ मौका मिलता है तो वहाँ पर जैसे बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है और जगह जगह कूड़े के बहुत खराब ढेर लगे हैं, उनको सही व्यवस्थित काम कराने का काम करूँगा और दिव्यापुर में अच्छा विकास कराने का काम करूंगा, जैसे कि लगे कि दिव्यापुर एक अच्छा शहर है। मैं एक बार चंडीगढ़ गया और मैंने चंडीगढ़ की रोडों को देखा, चंडीगढ़ की व्यवस्थाओं को देखा, वो भी व्यवस्था में दिव्यापुर में लाने का काम करूंगा। इससे पहले ही वहां पर चेयरमैन थे, क्या उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया? मैं दूसरे चेयरमैन ने क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा विकास दिव्यापुर में कराने का काम करूंगा। उन पिछला चेयरमैन ने तो क्या काम किया, कुछ भी काम नहीं किया है सिवाय मतभेद करने के अलावा। प्रदेश में 11 मई को होने वाले चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला ने आज पर्चा भरा, उनसे जानने चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच आ रहे हैं। आपने पर्चा भरा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे, क्या मुद्दे हमारे ऊपर? जनता के जो अधूरे कार्य हैं जो विकास के, वो पूरे करने के लिए ही जनता के बीच में आया हूँ। अधूरे विकास कार्यों से हमारा मतलब है, हमारा तात्पर्य है कि गुरैया तालाब का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया, कारण उसका कोरोना का। कोरोना काल में प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग नहीं मिल सका, तो वो संकल्प लेके आया हूँ। जैसे निमाइश मैदान आज़ादी के बाद से जनता उसका सपना देख रही है, वो सपना भी पूरा करने का संकल्प लेके आया हूँ और जो भी अधूरे कार्य जनता के विकास से संबंधित वो पूरा करूंगा, ऐसा संकल्प। किन किन समर्थकों को आपको समर्थन दिया? मुझे सभी वर्गों का और सभी धर्मों का समर्थन। आप लड़ाई अपनी किन से मानते हैं? हकीकत तो ये मैं अपनी लड़ाई किसी से नहीं मानता हूँ, उसकी वजह ये है कि बाकी सभी प्रत्याशी चुनाव के समय जनता के बीच में आते हैं, जनता शायद उनको ठीक से पहचान भी नहीं पाती और वो भी जनता को नहीं ठीक से पहचान पाते हैं। आपको मालूम होगा सूचना जारी होने के बाद पोस्टर, बैनर, कैलेंडर
इस पर रोक लगा दी जाती है तो उनका चेहरा जनता के बीच में जाना पहचाना से नहीं लगता। इसलिए हमें लगता है हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम और हमारा परिवार पूरे 5 साल लगातार जनता के बीच में रहता है। जैसा कि लालजी शुक्ला से बात की, उन्होंने बताया कि जो भी कार्य अभी तक अधूरे रहे, जो कोरोना काल में कार्य नहीं हो पाए, उन कार्यों का अगर हम जीत के आते उन कार्यों को करेंगे पूरा। प्राइम टीवी के लिए जाय दत्ता की रिपोर्ट औरैया। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन, वहीं आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हो किस तरीके से लोगों ने अपना नामांकन किया हुआ है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोक अंदर प्रवेश किया जा रहा है। वहीं अगर अंदर तहसील के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर LIO द्वारा लोगों को जाँच कर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं अपने अपने दावे करने के लिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने अपने दावे करते नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 मई को औरैया में वोट पड़ेंगे और 13 मई को वोट खुलेंगे। देखते हैं नगर पालिका का ताज किसके सर चलता है। प्राइम टीवी के लिए जाय दत्ता की रिपोर्ट औरैया। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया और वहीं मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और ये पूरा मामला थाना असमोली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम कराना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम ही कराने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस और परिजनों में पोस्टमार्टम को लेकर नोकझोंक भी हुई है। उनका एक्सीडेंट हो गया था और इंतकाल हो गया और उसमें सारा परिवार, खानदान और सभी गांव के लोग इसमें पोस्टमार्टम नहीं चाहते। उसी सिलसिले में मैंने इंस्पेक्टर असमोली से और SP साहब से, जो संभल SP से बात करके मैंने उनसे कहा था, और क्योंकि ये कोई किस प्रकार की कार्य भी नहीं चाहते, इसको पोस्टमार्टम को रुकवा दिया जाए। तो वो पोस्टमार्टम रुक गया है और इसी वजह से मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। उनके पर क्या नाम है इनका? कहाँ रहते थे? थाना कौन सा लगता? तो क्या हुआ फिर? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? पंथा से आ रहे थे और शाहपुर जा रहे थे अपने घर, लेकिन बीच रास्ते में पीछे कंटेनर वाले ने। शाहजहांपुर में सपा से माला राठौर ने मेयर पद से नामांकन नहीं कराया। वही इस मौके पर जिलाध्यक्ष बोले, धोखा देने वालों को जनता सिखाएगी सबक। बताते चले कि सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा के एन वक्त पर भाजपा में जाने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा महानगर शाहजहांपुर से महापौर पद के लिए समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार राठौर के पुत्रवधु माला राठौर को अपना प्रत्याशी बनाए हैं। नामांकन के अंतिम चरण में माला राठौर ने गर्मजोशी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कराया। इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर अपनी बड़ी जीत का दावा किया। वहीं सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि अर्चना वर्मा किस लालच और दबाव में सपा पार्टी धोखा देकर भाजपा का दामन थामा है, उनको ही जनता सबक सिखाएगी। लालच में चली गई, इसका खुलासा जनता खुद करेगी। 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को रिजल्ट आएगा। और माला राठौर जी के पक्ष में हर समाज, हर वर्ग के लोग हैं और वोट देने को तैयार बैठे हैं, और एक अच्छा माहौल समाजवादी पार्टी का बन रहा है। प्रत्याशी के पक्ष में लोगों में उत्साह है। इनका नाम का ऐलान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से जो हुआ है, तो लोगों में, हर समाज, हर वर्ग के लोगों में उत्साह है, यकीनन जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी शाहजहांपुर आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए महापौर और पार्षद आदि पदों के लिए 888 पर्चे खरीदे गए। वहीं कांग्रेस और सपा से महापौर पद के लिए प्रत्याशियों ने 8 पर्चे खरीदे। बता दें कि सर्वाधिक 762 नामांकन फॉर्म नगर निगम में बिके हैं। वही वार्ड 4 ग्वाल टोली से
अंकित मौर्य और वार्ड 79 चटाई मोहाल से पूर्व पार्षद राजीव कुमार मेहरोत्रा ने निर्दलीय पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। नगर निगम मुख्यालय में नामांकन के लिए सुबह से ही दावेदारों की भीड़ लगने लगी है। बताते चले कि कुछ देर बाद बिक्री बंद होने के बाद भी कई दावेदार पर्चा नहीं खरीद सके, इस पर उन्होंने रोष भी जताया। क्या नाम है आप लोग का? शीलू दुबे। किस वार्ड से हैं आप लोग? वार्ड 82। इस बार जनता के बीच किस क्या मुद्दे लेकर जाएंगे और किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? जो जैसे कि पानी भर जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।